नमस्ते दोस्तों, सभी को मेरा प्रणाम। आप देख रहे हैं भोजपुरी ज्ञान सागर, और भोजपुरी ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, पहले हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस समाप्त कर दिया, पास्ट परफेक्ट समाप्त कर दिया। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये पास्ट टेंस के बारे में थोड़ा सा हम बता दें। पास्ट टेंस वो होता है जो बीत चुका है, जो कहानी हो चुका है, उसको पास्ट टेंस कहा जाता है। तो दोस्तों, पास्ट टेंस पढ़ने के लिए, पास्ट टेंस समझने के लिए हमें तीन चार बातों पे ध्यान देना चाहिए, ये हम आपको बता देना चाहते हैं। नंबर एक, सबसे पहले आपको ये याद रखना चाहिए कि पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है। दोस्तों, इसका जो पहचान होता है वो ये होता है कि हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ये आता है, और इसके साथ साथ समय भी दिया होता है। अगर समय को हटा दिया जाए तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहा जाएगा। अगर समय दे दिया जाए तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहा जाएगा। दोस्तों, जैसे उदाहरण अगर दिया जाए कि आलोक 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो इसमें जो 2 घंटा समय दे दिया गया तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर केवल कहा जाए कि आलोक पढ़ रहा था तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों, पहली बात तो आपको ये जानकारी हो गया कि इसका पहचान क्या है, हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, समय के साथ। दूसरी बात आपको ये ध्यान देना चाहिए कि इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। दोस्तों, इसका हेल्पिंग वर्ब होता है हैड बीन। हैड बीन लगाते हैं। अगर वो कर्ता एक वचन का हो या कर्ता बहुवचन का हो, सब्जेक्ट एक वचन का हो या बहुवचन का हो, तो यहाँ पे हैड बीन का ही प्रयोग किया जाता है। देखिए बाबू, अगर आप इसको ठीक से देखिएगा मेरे चैनल को, तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं एकदम जैसे कोचिंग सेंटर होता है उस तरह क्रम वाइज करके पढ़ा रहा हूँ, छोड़ छाड़ के नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए, तीसरा बात को ध्यान ये देना चाहिए कि जब समय निश्चित हो तो उसके लिए हम लोग सेंस लगाएंगे, अगर समय अनिश्चित हो तो उसके लिए हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। बाबू, इस बात को पहले आप समझ लीजिए कि निश्चित समय क्या होता है और अनिश्चित समय क्या होता है। देखिए, निश्चित समय वो होता है जैसे वो सोमवार से क्रिकेट खेल रहा था, जैसे मंगलवार से बारिश हो रही थी, 2 बजे से वो बच्चा सो रहा था। ये अगर टाइम दे दिया गया हो, दिन दे दिया गया हो, महीना दे दिया गया हो, तो वो होता है निश्चित समय। यहाँ पे हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। और बाबू, जब अनिश्चित समय वो होता है कि कोई दिन या कोई टाइम नहीं दिया गया होता है, ऐसे कहा जाए कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, वो 3 दिन से खेल रहा था, ऐसे ऐसे अगर वाक्य आते हैं तो वो अनिश्चित समय होता है। चलिए, आज हम लोग देरी नहीं करेंगे और सीधे आते हैं बोर्ड पे, और बाबू थोड़ा ध्यान से देखिए, आप लोग सीख जाएंगे। देखिए, यहाँ पे हमने बोर्ड पे लिखा है, आप थोड़ा ध्यान देके देखिए। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे, समय भी दिया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगता है, वर्ब में ing जोड़ते हैं, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फर का अभी मैंने आपको बताया है। अभी इसका, इसके बारे में आप देखिए, सिंपल सेंटेंस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सिंपल सेंटेंस वह होता है जिसको हिंदी में साधारण वाक्य कहा जाता है। इसका जो नियम होता है बनाने का, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद से हैड बीन लिखते हैं, उसके बाद से मेन वर्ब में ing जोड़ते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद सिंस या फार लिखते हैं, उसके बाद etc लिखते हैं। दोस्तों, etc का मतलब होता है कि किसी भी वाक्य के अंदर से सब्जेक्ट को आप निकाल लीजिए, मेन वर्ब को निकाल लीजिए, वर्ब को निकाल लीजिए, ऑब्जेक्ट को निकाल लीजिए। ये निकालने के बाद जो कुछ बच जाता है वो etc के अंतर्गत आता है, इसीलिए सबसे लास्ट में etc लिखा जाता है। चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। वह 4 दिन से काम कर रहा था। देखिए, यहाँ पे दिया है 4 दिन। दोस्तों, ये 4 दिन जो दिया है ये हो गया समय, ये समय दिया हुआ है, और कर रहा था ये इसका पहचान हो गया, रहा था।
ये जो वाक्य हुआ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हुआ, इसको बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, मैंने सब्जेक्ट लिखा है, उसके बाद से सहायक क्रिया हैड बीन लगता है, हैड बीन मैंने लगाया है, उसके बाद से मेन वर्ब में आई एन जी जोड़ा है वर्किंग, उसके बाद से फॉर का प्रयोग इसलिए किया गया है, यहाँ पे चार दिन दिया है, यह अनिश्चित समय है इसलिए फॉर लिखेंगे, फिर उसके बाद फोर डेज, ये बन के तैयार होगा कि ही हैड बीन वर्किंग फॉर फोर डेज, वह चार दिन से काम कर रहा था। चलिए इसका निगेटिव देखते हैं। निगेटिव का नियम है पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, हैड नॉट बीन लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब में आई एन जी जोड़ देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद सिंस या फॉर लिखते हैं, फिर लास्ट में ई टी सी लिखते हैं और अंत में फुल स्टॉप लिखते हैं। उदाहरण देखते हैं, वे लोग सोमवार से विद्यालय नहीं आ रहे थे, इसका बन के तैयार होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद से हैड नॉट बीन लिखेंगे, उसके बाद से मुख्य क्रिया में आई एन जी जोड़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद सिंस मंडे। मतलब ये वाक्य बन के तैयार होगा कि दे हैड नॉट बीन कमिंग स्कूल सिंस मंडे, वे लोग सोमवार से विद्यालय आ रहे थे नहीं आ रहे थे। चलिए इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है दोस्तों प्रश्न पूछना। जब किसी वाक्य में प्रश्न पूछा गया हो तो उसको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ कि इंट्रोगेटिव दो तरह का होता है। एक वो होता है जो वाक्य के शुरू में प्रश्न पूछने वाला शब्द लगा होता है, यानी क्या से वाक्य शुरू होता है, जैसे क्या तुम तीन दिन से अपना पाठ याद कर रहे हो। इसका नियम यह होता है दोस्तों, ये नियम नंबर एक होता है, सबसे पहले हेड लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब में आई एन जी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फार, फिर ई टी सी, उसके बाद से क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिए, इसमें क्वेश्चन मार्क लगता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। देखिए इसका बन के तैयार हो गया कि हैड यू बीन लर्निंग योर लेसन फॉर थ्री डेज, क्या तुम तीन दिन से अपना पाठ याद कर रहे थे। हैड यू बीन लर्निंग योर लेसन फॉर थ्री डेज। चलिए इसका दूसरा नियम देखते हैं। इसका दूसरा नियम ये होता है कि प्रश्नों के बीच में, प्रश्नवाचक वाक्यों के बीच में अगर प्रश्नवाचक चिन्ह बीच में होता है तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं QW, मैंने क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेड लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर बीन लिखते हैं, फिर वर्ब में आई एन जी जोड़ते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद सिंस या फार लिखते हैं, ई टी सी लिख के क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। जैसे इसका उदाहरण देखेंगे, वो 5 सालों से कहाँ रह रहा था। यहाँ पे जो कहाँ शब्द आया है ये है प्रश्न पूछने वाला शब्द, क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे वेयर हैड ही बीन लिविंग फॉर 5 years, वो 5 सालों से कहाँ रह रहा था। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस वह होता है कि किसी वाक्य में प्रश्न तो पूछा जाता है, साथ में नहीं भी शब्द आता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्या आलोक 4 दिन से बाजार नहीं जा रहा था। इसका बनाने का जो नियम होता है, रूल नंबर 1, सबसे पहले हेड लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर नॉट लिखते हैं, फिर बीन लिखते हैं, वर्ब में आई एन जी जोड़ते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, सिंस या फार लिखते हैं, ईटी से लिख करके क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। यहाँ पे जैसे आया है उदाहरण के लिए कि क्या आलोक 4 दिन से बाजार नहीं जा रहा था, इसका बनेगा सबसे पहले हेड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आलोक है, आलोक लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे, फिर बीन लिखेंगे, मेन वर्ब में आई एन जी गोइंग हो जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर उसके बाद से आपका जो बचता है सिंस या फार वो लिख करके बाकी जो बचता है लिख देते हैं। दोस्तों आइए इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 ये कहता है कि जब वाक्य के बीच में कोई प्रश्न पूछने वाला शब्द आ जाए तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी हम लिखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, वो 2 घंटे से क्यों नहीं सो रहा था। यहाँ पे ये जो क्यों नहीं है शब्द, ये क्यों जो शब्द है ये प्रश्न पूछ रहा है और नहीं शब्द आया है, इसलिए ये वाक्य क्या हो गया, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य हो गया। आइए इसका रूल देखते हैं। सबसे पहले क्यू डब्ल्यू लिखते हैं, फिर हैड लिखते हैं,
फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर नॉट लिखते हैं, पर बिन लिखते हैं, फिर वर्ब में आई एन जी जोड़ते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर सिंस या फार लिखते हैं, उसके बाद जो कुछ भी बच जाता है लास्ट में लिख देते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि वह दो घंटे से क्यों नहीं सो रहा था। जब इसको बनाएंगे तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे वाई, उसके बाद लिखेंगे हाइड, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट वह है, वह की अंग्रेजी ही होता है तो ही लिखेंगे, फिर नॉट, फिर बीन, फिर स्लीपिंग फॉर टू आवर्स। ये वाक्य बन के तैयार हो जाएगा कि वाई हैड ही नॉट बीन स्लीपिंग फॉर टू आवर्स। दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने आज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ के समाप्त कर लिया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को दो बार तीन बार देखेंगे ध्यान से, तो आपको जरूर समझ में आएगा। इसके बाद आज पास्ट टेंस समाप्त हो गया, हम लोगों ने पहले प्रेजेंट टेंस समाप्त कर दिया था, आज पास्ट टेंस समाप्त हो गया। कुछ ऐसा विशेष नियम टेंस में होता है जिसको हम आगे वीडियो में बनाएंगे। अब एक चीज बचा है, फ्यूचर टेंस लास्ट है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो से शुरू कर देंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत लेना चाहता हूँ। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।